डीडवाना जिले के नावा से सटी सामर झील में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जमकर अवहेलना की जा रही है। यहां हजारों की संख्या में अवैध बोरवेल संचालित है, जबकि झील संरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय और एनजीटी न्यायालय भोपाल तक में मामले चल रहे हैं और प्रशासन को झील के सुरक्षा के सख्त निर्देश है, फिर भी प्रशासन अवैध बोरवेल संचालकों के राजनीतिक रसूख के चलते कार्यवाही करने में बेबस है। इस रिपोर्ट में देखिए, डीडवाना जिले का नावा शहर विदेशों में भी नमक नगरी के नाम से अपनी पहचान रखता है और सांबर झील इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है, लेकिन सांबर झील का अधिकांश हिस्सा नावा क्षेत्र की सीमा से सटा हुआ है और सांबर झील तीन जिलों की सीमाओं से घिरी है। पूरी झील 90 किलोमीटर के कैचमेंट एरिया में फैली है, जिसका अस्तित्व अब खतरे में है। नमक उद्यमी नमक बनाने के लिए खारे पानी यानी ब्राइन की चोरी करने के लिए झील में अवैध रूप से अवैध बोरवेल खुदवा रहे हैं और अवैध बोरवेल खोदने के इस काम को रात के अंधेरे में अंजाम दिया जाता है। पूरी झील क्षेत्र में हजारों की संख्या में अवैध बोरवेल बने हुए हैं, जिनके आसपास के गांवों में भूजल का स्तर तो गिरा ही है, साथ ही पूरे झील क्षेत्र को हादसे का ठिकाना बना दिया गया है। यहां हर तरफ अवैध रूप से बिछाई गई विद्युत केबल जगह जगह से कटी हुई है, तो वहीं खुले बोरवेल इंसान समेत पशु पक्षियों के लिए भी खतरा बने हुए हैं। देखो, अगर इस तरीके की जो भी मैसेज हमको मिलते हैं, हम जरूर उस बिंदु तक पहुँचते हैं। अगर वो अवैध रूप से बोरवेल करता पाया जाता है तो हम उसको चीज की कार्रवाई करते हैं। दोनों ही बात है, अब चोर चोरी करता है तो उसके पीछे चोर चोरी करने से रुकता नहीं, हमारा काम उसको रोकना, हम रोक रहे हैं। झील संरक्षण को लेकर राज्य के मंत्री, पर्यावरण सचिव, न्यायालय की विशेष गठित कमेटी और उसके सदस्य सीएम समेत जिला कलेक्टर तक ने कई बार झील का दौरा किया और कार्यवाही को अंजाम दिया गया, लेकिन इन तमाम अधिकारियों और नेताओं के दौरे के बाद भी अवैध कारोबार का खेल चालू हो जाता है। देर रात्रि को झील में अवैध रूप से सड़क से मात्र 100 फीट की दूरी पर अवैध रूप से बोरवेल करते हुए बोरवेल मशीन पाई गई। जिस तरह से बोरवेल किया जा रहा है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि मानो इन्हें प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है। झील क्षेत्र में वर्तमान में हजारों की संख्या में बोरवेल बने हुए हैं और कई बोरवेल खुले हुए हैं, जो हादसों को न्योता दे रहे हैं। यहाँ दिन में प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है और रात में फिर से अवैध बोरवेल खोदने का काम शुरू हो जाता है। दामोदर इनाड़िया, जी मीडिया, नागौर।